देवास जिले के खातेगांव गौशाला में पहुंचे कृषि मंत्री पटेल ने परमधाम गौशाला में ट्यूबवेल प्याऊ 24 घंटे बिजली और चूना भट्टी से लेकर गौशाला मार्ग तक निर्माण कार्य करवाने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने गौ माता को गुड़ खिलाकर गौ माता और संतों से आशीर्वाद लिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने व्यासपीठ पर पूजन किया, परमधाम गौ मंदिर में गौ माता की परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया, गौ माता को गुड़ खिलाया, संत भगवती प्रसाद तिवारी का शाल त्रिफल सम्मान कर आशीर्वाद लिया। आकर्षण का केंद्र बना पंडाल घास से सुसज्जित मंत्री कमल पटेल ने भी सराहते हुए कहा कि परमधाम गौशाला भागवत कथा में पहुंचकर मन प्रसन्न हो गया। खातेगांव सादिक खान की रिपोर्ट। एक बार पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जो बात जो रखी गई है कि यहां पर एक ट्यूबवेल सबसे पहले गौशाला हो गई पीने के पानी और प्याऊ जैसे बनी हुई है वैसे प्याऊ तो है। उसके लिए भी ट्यूबवेल कराने की घोषणा करता हूँ। ट्यूबवेल गौशाला में हो जाए, साथ ही यहाँ तक के लिए रोड और लाइट की 24 घंटे व्यवस्था रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रोड भी बन जाएगा पक्का सीमेंट का। बोलो गौ माता की। और ये भी हो जाएगा, सभी काम होंगे। गौ माता की प्रेरणा हम तो निमित्त है, कराने वाला ऊपर वाला है। जय हो गुरुदेव। आपके चरणों में बराबर तो आप ये आशीर्वाद दो कि अच्छा कार्य कर सके। जो जिम्मेदारी भारतीय जनता शिवराज ने दी है, 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि बताई गई है। और इसलिए मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य अपने अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के लिए जीवन जीता है, परोपकार करता है, दूसरों के लिए जीता है। असहाय की सहायता करना ही जीवन है और सत्य और धर्म है। जय हो। इसमें हम सब मिलकर लगे ताकि अपने जीवन को सफल नहीं सार्थक कर सके। जीवन सफल हो गया, हमें मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, विधायक सांसद बन गए, कलेक्टर आईएएस आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, सफल तो हो गए। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए बने हैं, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, यानी गरीब की सेवा नहीं हुई, असहाय की सहायता नहीं हुई, देश की समाज की धर्म की संस्कृति की रक्षा नहीं हुई, तो वो बनना बेकार है। सफल भले ही हो गए लेकिन सार्थक नहीं हो सकते। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए बने, अगर वो काम किया और लोगों ने, गरीबों ने आपको दुआएं दी और किसी की सहायता कर ली, दरिद्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। जो भी गौशाला की सेवा कर रहे हैं उनका जीवन सार्थक हो गया, जीवन अमर हो गया। और इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपसे प्रेरणा लेकर मैं भी पचोला और क्राता तले की पहाड़ी हनुमान मंदिर पर गौशाला इसी प्रकार की बनाने की विचार आज मन में आया है। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और